हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना। वेलकम टू माय चैनल हर्बल वेलनेस। आज मैं फिर आपके लिए बहुत हेल्दी ड्रिंक लेके आई हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना। तो चलिए मैं बताती हूँ ये ड्रिंक किस चीज़ का है। ये ड्रिंक है हरी सौंफ का। ये हरी सौंफ आपका पीरियड्स पेन में रिलीफ दिलाएगी, PCOD में आपको हेल्प करेगी जिन लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है। ये आपका वेट लूज भी बहुत फास्ट करेगी। तो इसके लिए हमें लेनी है ग्रीन कलर की सौंफ, ग्रीन कलर की मोटी मोटी हरी सौंफ लेनी है हमें। इसमें एक लाइट कलर की हल्की ब्राउन भी आती है, वो हमें नहीं लेनी। इस ड्रिंक को बनाने के लिए डार्क मोटी कलर की ग्रीन कलर की सौंफ लेनी है। यही सौंफ इस ड्रिंक के लिए अच्छी है और यही आपको फ़ायदा देगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप डार्क ग्रीन कलर की सौंफ लेना। इसके साथ हमने अदरक लेना है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये जो सौंफ है ये हमें एक चम्मच लेनी है। एक गिलास बनाने के लिए सौंफ, इतनी सौंफ काफ़ी है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ अदरक। अदरक को मैं कट करूँगी छोटे छोटे पीसीज में, क्यूब्स में इसको काट लूँगी। मैं इसकी स्किन को हटा रही हूँ। आप सोचेंगे कि मैं अदरक कद्दूकस भी कर सकती थी, तो उसका रीज़न आपको आगे पता चलेगा कि मैंने इसे क्यों नहीं किया। इसलिए आप वीडियो पूरी देखना, इसको स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसके बीच में कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी जो आपको फ़ायदेमंद है। और इस ड्रिंक को किस तरीके से लेना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये देखिए, ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली, एक चम्मच सौंफ और 3 छोटे टुकड़े अदरक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना ड्रिंक बनाना। ड्रिंक बनाने के लिए मैंने खाली पतीला ले लिया है, उसमें 300 ml के बराबर पानी मैंने डाल लिया है इसके अंदर। आपने ज़्यादा बनाना है तो आप फ्रेंड्स ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने सिर्फ 300 ml ही लिया है। एक टाइम का ड्रिंक बना रही हूँ मैं। मैंने गैस को हाई पे कर दिया है। इस ड्रिंक को आपको हाई पे बनाना है। इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी जो मैंने अदरक के पीस लिए थे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इसको हमें फर्स्टली अदरक के पीसीस को इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद हमें एक चम्मच सौंफ लेनी है, जो मैंने ली थी एक चम्मच सौंफ, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इस ड्रिंक को हमको हाई फ्लेम पे उबालना है और बीच बीच में इसको चम्मच की मदद से हमको हिलाते रहना है, ताकि ये चीज़ें, जो दोनों चीज़ें मैंने पानी के अंदर डाली हैं, ये अच्छे से इनके अंदर मिक्स हो जाएँ। इस ड्रिंक को हमको 7 से 8 मिनट तक उबालना है। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसका हल्का सा रंग ग्रीन कलर का हो गया है, लेकिन अभी हमें गैस बंद नहीं करनी। 2-3 मिनट हमें और उबालना है इस ड्रिंक को। इस ड्रिंक को इसलिए उबालना है ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं, लेकिन ओवर भी नहीं उबालना। 8 मिनट के बाद आप इसको गैस को बंद कर देंगे और इसमें ज़्यादा स्टीम नहीं आनी चाहिए, मतलब ढक्कन वगैरह बंद नहीं करना इसका। अब आपको इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। जब हल्का सा ठंडा हो जाए तो आपको ग्राइंडर की मदद से इसको ग्राइंड कर लेना है, इसलिए मैंने अदरक को कद्दूकस नहीं किया था। अगर आप ऐसे ही पीना चाहते हैं तो इस ड्रिंक को बिना ग्राइंड किए भी पी सकते हैं, मुझे पर्सनली ये ठीक लगा तो मैंने ऐसे इस किया। तो ये इस ड्रिंक को आपको चाय की तरह गुनगुना ही पीना है। जिनका पेट गर्म होता है, उनका गर्म फील होता है, वो इसको हल्का सा ठंडा पी सकते हैं, लेकिन ठंडा बिल्कुल नहीं पीना, नहीं तो ये आपको नुकसान करेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।